बेसिकली हम लोग बहुत अच्छा गेम खेला था, जस्ट हमको हम लोग को रेड कार्ड मिला, फिर भी हम लोग ने टीम वर्क किया, मतलब मेहनत किया हम लोग ने, फिर भी गोल कंसीड किया हम लोग, बट हम लोग सडनली लास्ट मोमेंट हम लोग ने गलती से हम लोग मिस्टेक पाया हम लोग, तो यही गेम है, हो सकता है गेम में कुछ भी, तो हम लोग ने बहुत ट्राई किया था लास्ट मोमेंट तक, मिस्टेक लिया हम लोग, ओन गोल खाया, तो इसके वजह से हम लोग हार गया वो मैच। बेसिकली मैंने ओपनिंग सीजन में दो मैच खेला, बट लाइक इतना अच्छा मैच भी नहीं खेला मैं, बट उसके बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मुझे उससे भी अच्छा करना है और उससे भी अच्छा प्रैक्टिस करना है और इससे भी हार्डवर्क करना है, तो मैंने ट्राई किया बहुत, एवरी प्रैक्टिस लाइक एवरी मैच मैंने देखा कि और एवरी प्रैक्टिस मैंने हार्डवर्क किया, तो लाइक आगे जा सकता है और जितना हार्डवर्क करेगा जितना मेहनत करेगा और आगे तक जा सकता है और टीम में भी चांस मिलते रहे। बेसिकली हम लोग जब होम मैच खेला था एफ सी गोवा के साथ, तो हम लोग लाइक बहुत अच्छा गेम खेला था, सडनली हम लोग लास्ट मिनट में गोल खाया, तो हम लोग के लिए बहुत ख़राब पॉइंट था वो, हम लोग को 3 पॉइंट मिलना था। लाइक अभी एफ सी गोवा का होम में हम लोग आया खेलने के लिए, तो लाइक ऑलमोस्ट हम लोग को भी ये मैच जीतना है, बहुत क्रिशियल है, क्योंकि हम लोग को टॉप 4 में जाने के लिए ये मैच जीतना पड़ेगा, तो लाइक हम लोग को टीम वर्क करना पड़ेगा, सब एक साथ मिलकर खेलना पड़ेगा, 100% देना पड़ेगा सबको। बेसिकली ये मैच हम लोग के लिए बहुत चैलेंजिंग गेम है, तो एफ सी गोवा अच्छा टीम है, लाइक ये लोग बहुत अटैकिंग गेम खेलते हैं, तो हम लोग को सोचना पड़ेगा कि अभी ये अटैकिंग के साथ डिफेंड करना है, तो अभी हम लोग को वो लोग के साथ काउंटर गेम खेलना है, तो अभी ये हम लोग को सोचना पड़ेगा, टीम वर्क करना पड़ेगा ये लोग के साथ जीतने के लिए, क्योंकि एफ सी गोवा ऑलमोस्ट बहुत अच्छा टीम है, क्योंकि सब प्लेयर अच्छा ही खेलते हैं, तो हम लोग भी अगर ग्राउंड में हम लोग को भी डिफेंस करना पड़ेगा और ये लोग से कैसा अटैक करना है वो भी सोच के करना पड़ेगा।